खैर एनीवे सी के बारे में पहले से प्रायर नॉलेज आप लोगों के पास नो सर। बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, आप जनरेशन पढ़ाए थे, ठीक है। बटन बंद, ठंडा का मौसम है, स्वेटर वोटर पहनिए, इनर पहनिए। तो उसी से पता चला कि भाई सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप जनरेशन पढ़ाए थे तो उसमें थर्ड जनरेशन के बारे में आप चर्चा किए थे। थर्ड जनरेशन जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज कहा गया, जिसमें दो तरह के ट्रांसलेटर दिए गए, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर, ठीक है। और इसी कंपाइलर के तहत आप वहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किए थे, यानी फर्स्ट ईयर में जब हम आपको क्यू बेसिक पढ़ा रहे थे, जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, तो उसी दौरान हमने सी की एक चर्चा की। यही पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता, ठीक है। बुक वगैरह अभी तो मिल जाएगा, हाँ, अभी तो स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। ओके, तो पहले बिफोर सी लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। आज कोशिश करते हैं कि एक हिस्ट्री ब्रीफ रहे, थ्योरेटिकल ब्रीफ रहे, ठीक है। मास्क नहीं है, मास्क नए वाला वायरस क्या नाम है, एमिकॉन ना, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन, ठीक है। समवेयर इट इज कॉल्ड ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन व्हाट एवर, सुन रहे हैं कि बहुत कॉम्युनिकेबल है, ठीक है। कोरोना वायरस का ही वेरिएंट है, ठीक है। तो कृपया करके अभी मास्क आप लोग पहनेंगे, और भूल से भी भूल ना करेंगे, क्योंकि बचा देंगे। ये सिर्फ आपकी अपनी बचाव नहीं है, पूरे कंट्री का बचाव। बचा लीजिएगा, बच जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा कैजुअलिटी ला देगा, ठीक है ना। और चूंकि ये कैजुअलिटी इसलिए भी आएगा कि वैक्सीनेशन का अगर रेशियो देखा जाए तो यंग में हो चुका है, 18+ में हो चुका है, बिलो 18 में सबसे ज्यादा रिस्क है, उसको तो वैक्सीनेशन हुआ नहीं, ठीक है। तो बचा लीजिएगा, अभी तक एक भी केस नहीं है, इतना दिन हो गया, कम से कम 15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक गनीमत है कि एक भी केस नहीं है। और जो आ रहा है, जहां पे जो पॉजिटिव पाया जा रहा है, वो क्वारंटाइन कर दे रहा है लोग, और उसको चेक किया जा रहा है कि वायरस वही म्यूटेशन का है कि नहीं है। तो ये सब चीज है, खैर एनीवे हम लोग को बचाना है। तो लेट्स कम टू दी हिस्ट्री, हिस्ट्री अबाउट द सी लैंग्वेज, ठीक है। तो सी को समझते हैं, दो चीज जनरेशन के हिसाब से, चूंकि जनरेशन आपको पढ़ाया जा चुका है, तो उसको एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि अभी तक टोटल 5 जनरेशन लैंग्वेजेस को दिया गया है, ठीक है। हर जनरेशन के कुछ ना कुछ सन इसमें होंगे, 10 साल 8 साल का सबका एक गैपिंग रहा, कहीं कहीं 15 साल का भी रहा, ठीक है। जैसे अगर आप 90 की बात करें तो 5th जनरेशन जो है, पांचवा जो है, वो 90 के बाद का जनरली माना गया, सो पांचवा में आ गया, 90 या 95 व्हाटएवर जो भी, जो अभी तक चल रहा है, ठीक है। 6th की कोई बात अभी तक नहीं हुई। तो जो पहला जनरेशन बताया गया था वो था आपका मशीन लेवल, ठीक है। यानी मशीन लेवल का मतलब हो गया कि आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये जो मशीन है, ये जो डिवाइस है, ये बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, और अगर हमें इससे कोई काम करना है तो हमें इंट्रैक्शन बाइनरी में ही करना होगा, एक सिंपल सा, ठीक है, दे दिया गया। अब ये पॉपुलर हुआ, हम यूज किए ना किए, वो अलग मसला हो गया, ठीक है। मसला ये है कि ये कॉम्प्लेक्स था, हम नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये मशीन बहुत बढ़िया था, ये सब कोई जान रहा था जो बनाया था। तो हुआ कि क्या किया जाए, ठीक है। तो हुआ कि ट्रांसलेटर का कंसेप्ट लेके आना होगा, क्या कंसेप्ट लेके आना होगा, ट्रांसलेटर का कंसेप्ट लेके आना होगा, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज कुछ समय चला, 5-10 साल चला होगा, उसके बाद दिमाग में आया होगा कि ट्रांसलेटर बनाना होगा। उन्होंने एक ट्रांसलेटर बनाया और कहा कि जनरेशन चेंज हो गया, अब आ गया 2nd जनरेशन, क्यों, क्योंकि हम ट्रांसलेटर का कंसेप्ट लेके आ गए। वहां पे जो ये लोग ट्रांसलेटर बनाया उसका नाम रख दिया सेलुलर,
क्या नाम रख दिया? असेंबलर. और जो लैंग्वेज हुआ दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, ओके. अब ये जो असेंबली लैंग्वेज है तो क्या इसमें हम 01 में काम नहीं करेंगे? ट्रांसलेटर दे दिया गया तो जाहिर बात है 01 में काम नहीं करेंगे, तभी तो ट्रांसलेटर लाया गया. अगर 01 में काम करना है तो क्या जरूरत है हमको ट्रांसलेटर लाने का? ठीक है, और अगर हम 01 से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होंगे तो कंप्यूटर सबसे फास्ट तरीके से इंटरेक्ट होगा, नहीं होगा? ठीक है, सबसे तेज काम करेगा, क्योंकि कोई बीच में, ठीक है, आप क्या बोलते हैं ये, मिडिलमैन इसमें नहीं मिलेगा. ठीक है, जहां पे टाइम डिले हो जाए, सीधे आपको आ रहे हैं, ये सुन रहा है, समझ रहा है, काम कर रहा है. ठीक है, तो ट्रांसलेटर कहीं ना कहीं ये सोचा गया होगा आपकी वजह से. किसकी वजह से? आपकी वजह से, कि आप कैसे इस मशीन को ज्यादा से ज्यादा यूज करें. ठीक है, तो हुआ कि आप 01 में नहीं कंफर्टेबल, तो ठीक है ट्रांसलेटर बनाया जाए, तो असेंबलर बना दिया गया. तो क्या आपकी कंफर्टेबिलिटी के अनुसार क्या आपके लैंग्वेज को इंपोज किया गया? नहीं. ठीक है, अब उस समय हालात था, ट्रांसलेटर सोच लिया गया, उस समय का क्या वजह था, ठीक है, वो हालात कुछ और होगा, आज की स्थिति कुछ और है. जैसे मैंने कहा था कि भाई बल्ब बनाना था तो एडिसन ने टंगस्टन बल्ब क्यों बनाया, एलईडी बना देता ये सब बल्ब जो आज जला रहे थे. ठीक है, लेकिन ये भी उतना सही है कि टंगस्टन बनाया तो आपका ट्यूब का कंसेप्ट आया, ट्यूब से सीएफएल का कंसेप्ट आया और सीएफएल से एलईडी का कंसेप्ट आया. ठीक है, भाप इंजन नहीं बनता तो डीजल इंजन नहीं आता, डीजल इंजन नहीं बनता तो इलेक्ट्रिक इंजन नहीं आता. ये भी उतना ही सत्य है. ठीक है, कि हमारी सोच तो अनलिमिटेड है पर मिलता कैसे है? स्टेप बाई स्टेप. तो उस समय भी ट्रांसलेटर लोग बनाए हैं. ठीक है, कहा कि सेकेंड जनरेशन आ गया है, ट्रांसलेटर बना दिए हैं, आपके लिए काम आसान हो गया. तो क्या मेरी भाषा अब समझेगा? नहीं, आपको सिंबल में लिखना होगा. किसमें लिखना होगा? मतलब आप 01 से तो बच गए, लेकिन जो असेंबलर या असेंबली लैंग्वेज जो सिंबल आपको सिखा रहा है उन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करना होगा. ठीक है, इसको न्यूमनिक कोड भी कहा जाता है, एम न्यूमनिक समथिंग कुछ लिखा जाता है, देख लीजिएगा. ठीक है, तो इस कोड को दे दिया गया तो हुआ कि ठीक है 01 से तो मुक्ति मिल गया, पर सिंबल में भी काम करना बहुत आसान नहीं है. अब आपको मेम मतलब मेमोरी, एलडी मतलब लोड, स्टार का कुछ मतलब, कोमा का कुछ मतलब, कोलोन का कुछ मतलब, नहीं कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो रियलाइज किया गया कि काम थोड़ा बढ़ा लेकिन उतना भी कंफर्टेबल नहीं हुआ. ठीक है, यानी ये सिंबल में सॉफ्टवेयर डेवलप करना हर एक की बूते की बात नहीं था, बहुत लिमिटेड यूज हुआ असेंबली लैंग्वेज का. ठीक, लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ यूजर्स इस कंप्यूटर के यूज करने वाले क्या हो गए वर्ल्ड में, बढ़ गए. लेकिन पॉपुलरिटी मिल गया ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा. ठीक है, दूसरा चीज था कि जब असेंबली आया था हार्डवेयर में आप लोगों को पढ़ाया गया, उस समय प्रोसेसर के दो फैमिली चल रहे थे. अगर हम इंटेल को लेके चले, एक 85 फैमिली, 8 एक्सिस फैमिली. अब कोई भी लैंग्वेज होगा तो प्रोसेसर के लिए बनाया जाता है, तो 85 को अलग लिखते थे, 85 का असेंबली अलग होता था. 85 वाला 86 में काम नहीं करेगा, 86 वाला 85 में काम नहीं करेगा. ठीक है, एक ये भी कॉम्प्लेक्सिटी था. बाद में इंटेल ने कहा कि भाई हम अपना 85 हटा रहे हैं और हम अब आगे कॉन्सेंट्रेट करेंगे किस फैमिली पे, 86 पे. अभी हम लोग जो भी यूज करते हैं सब 86 फैमिली का लिखा भी रहता है, प्रोसेसर पढ़ते हैं तो. ठीक है, अब 85 फैमिली नहीं चलता क्योंकि उससे बेहतर आर्किटेक्चर है किसका, 86. ओके, तो अब क्या किया जाए? तो भैया यहां भी कॉम्प्लेक्सिटी है, ट्रांसलेटर तो आ गया, तो क्या किया जाए? ट्रांसलेटर हटाए, ट्रांसलेटर अब कैसे हटेगा? ये तो सबसे आसान तरीका है, तो ट्रांसलेटर को मॉडिफाई करना होगा. ठीक है, तो हुआ कि ठीक है एक और रिसर्च करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो इन्होंने थर्ड जनरेशन लाया, ट्रांसलेटर का ही रहा. ठीक है, लेकिन जनरेशन चेंज हुआ, यानी कुछ सालों के बाद, 5-10 साल के बाद तीसरा जनरेशन आया. और इसमें कहा गया कि हम जो ट्रांसलेटर लेके आए हैं, ठीक है, इस ट्रांसलेटर का नाम है हाई लेवल ट्रांसलेटर. क्या नाम है? हाई लेवल ट्रांसलेटर. व्हाई इट इज कॉल्ड हाई लेवल? बिकॉज दिस प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू राइट जस्ट लाइक इंग्लिश. ठीक है, अब आप अपने इंस्ट्रक्शंस को
अंग्रेजी जैसे, मैं प्योर अंग्रेजी तो नहीं बोलूंगा, पर अंग्रेजी जैसे आप लिखते हैं वैसे लिख के काम कर सकते हैं। क्लियर? मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? यानी हाई लेवल थर्ड जनरेशन में जो ट्रांसलेटर आया उसको यूनिकली क्या कहा गया? हाई लेवल। क्यों हाई लेवल ट्रांसलेटर कहा गया? क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन हमें दे बोलता था लिखने के लिए वो अब सिंबल में नहीं था, अब क्या था? अंग्रेजी जैसे स्टेटमेंट में था। कैसे था? अंग्रेजी जैसे स्टेटमेंट में था। ठीक है, तो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी तो वर्ल्ड में शुरू बहुत पहले से ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा क्या? अंग्रेजी। ठीक है, तकरीबन हर जगह पढ़ा लिया जाता है। अब एक आध कंट्री फोर्सली ना पढ़ाता वो नहीं बता सकते, सब जगह पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अंग्रेजी को सोचना सीखना समझना हमारे लिए उतना मुश्किल कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये रियलाइज हुआ कि यहां पे हम सही सोच ले आए। ठीक है, तो कंप्यूटर को अगर रेवोल्यूशन के तौर पे देखा जाए जनरेशन के हिसाब से, लैंग्वेज के जनरेशन के हिसाब से, तो हम थर्ड जनरेशन रखेंगे। किसको रखेंगे? थर्ड जनरेशन, क्योंकि हाई लेवल जैसे आया। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग सीखने का होड़ लग गया, क्योंकि सबको आसान लगने लगा। ठीक है, जब प्रोग्रामिंग आप सीखेंगे तो आप प्रोग्रामर बनेंगे, जब आप प्रोग्रामर बनेंगे तो आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे मार्केट में सेल होगा, लोगों का काम होगा, लोगों का काम होगा, लोग कंप्यूटर परचेज करना शुरू कर देंगे। नहीं होगा, हम बैंक का काम ही नहीं करेंगे तो बैंक क्यों खरीदेगी कंप्यूटर? बैंक का सॉफ्टवेयर बना है तब ना बैंक कंप्यूटर खरीद रही है, हर एटीएम में कंप्यूटर लगाई है, अपने ब्रांचेज में कंप्यूटर लगाई है, इन्वेस्ट कर रही है। सॉफ्टवेयर ही नहीं बनेगा उसका तो करेगी? ठीक है, तो जब तक प्रोग्रामर आपके कामों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करेगा, ठीक है, तब तक आप कंप्यूटर खरीदने वाले नहीं है, क्योंकि सब कोई कंप्यूटर पढ़ने के लिए थोड़ी खरीद रहा है, मोस्ट ऑफ लोग तो यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। बैंक खरीद रहा है कंप्यूटर पढ़ने के लिए? नहीं, काम करने के लिए। कोई दुकान खरीद रहा है कंप्यूटर पढ़ने के लिए? नहीं, काम करने के लिए। कोई मिठाई की दुकान में कंप्यूटर लगा हुआ पढ़ने के लिए? नहीं, काम करने के लिए। ठीक है, तो उस काम करने के लिए तो सॉफ्टवेयर बनेगा तब ना। बनाएगा कौन? प्रोग्रामर। किसके थ्रू? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। किसमें? मशीन लैंग्वेज में। नहीं हो तो बहुत मुश्किल है, होगा ही नहीं। असेंबली लैंग्वेज तो टफ है, बनाएंगे लेकिन बहुत समय लगेगा। तो किसमें? तो सब हाई लेवल लैंग्वेज में, इसमें आसान है काम करना। क्लियर? अब हाई लेवल में दो तरह के आपके ट्रांसलेटर दिए गए। ठीक है, यानी कंबाइंडली बोला गया हाई लेवल, लेकिन इसमें ट्रांसलेटर के दो वेरिएंट है। कितने वेरिएंट है? दो। कौन पहले आया कौन बाद में आया वैसा तो कुछ विशेष हिस्ट्री में लिखा नहीं है। ठीक है, कभी लगता है कि दोनों साथ में चले हैं, कभी लगा कि इंटरप्रेटर आ गया लेकिन कंपाइलर का सोच भी पहले से ही सोच लिया गया था, ऐसा हिस्ट्री पढ़ने में लगता है। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल ऐसा मान के चला जा सकता है कि इंटरप्रेटर पहले सोचा गया। ठीक है, और उसकी नेगेटिविटी भी ली होगी तो बाद में कंपाइलर पे लोग डिस्कस किए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सोचा गया ट्रांसलेटर? इंटरप्रेटर। ये हम लोग अपना एजम्पशन से लेके चल रहे हैं, ऐसा कोई किताब उताब में लिखा नहीं है कि इंटरप्रेटर ही पहले आया, हम जितना पढ़े हैं उतना में नहीं मिला है। तो इंटरप्रेटर पे इन्होंने काम कर दिया। ठीक है भाई, बना दिए। तो आपका इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज कौन कौन सा है? तो बहुत सारा आया जब दिया गया उस समय से, बहुत आया। ठीक है, लोगो, बेसिक, लोगो का नाम सुने होंगे स्कूल स्कूल में से, टर्टल वगैरह बना के बच्चा को स्कूल में टर्टल से ड्रॉ करना सिखाया जाता है। तो लोगो बेसिक लैंग्वेज, उसी का क्यू बेसिक आप पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट में जावा पाइथन, ये सब आपका क्या है? इंटरप्रेटर। तो शुरू में ये दे दिया गया। ठीक है, और कहा गया कि भाई इसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए। तो हुआ कि कैसे काम करेगा? तो कहा कि आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये उसको एग्जीक्यूट तो करेगा लेकिन करेगा लाइन बाई। तो फिर तो सर लाइन बाई लाइन का मतलब कि डील बीच में डीले हो जा रहा है। नहीं, एक लाइन पढ़े, कन्वर्ट किए, 01 में दिए, एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, फिर दूसरा लाइन को पढ़े 01 में, तो टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है,
तो हो सकता है कि ये सोचा गया होगा कि इंटरप्रेटर में, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसलिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हम बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो हो सकता है ये समय कुछ ज्यादा ले, तो वर्क की इफिशियंसी जो है वो थोड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, यानी वर्क जितना फास्टली इफिशियंट होना चाहिए उतना इंटरप्रेटर पे नहीं होगा, ऐसा सोचा है। तो हुआ कि जब रिसर्च ही चल रहा है तो आगे रिसर्च करते हैं, ठीक है, एक हाई लेवल में बेहतर ट्रांसलेटर देने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद एक दूसरा ट्रांसलेटर बना दिया गया, दैट ट्रांसलेटर इज कॉल्ड कंपाइलर। ठीक है, जिसमें आपका सी, कोबल, फोर्ट्रान, पास्कल, ठीक है, जावा, ये सब आपका किस तरह का है लैंग्वेज है, कंपाइलर बेस्ड। तो सर क्या क्या बेनिफिट है इसमें? तो कंपाइलर कहता है कि भाई एक बार पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन वाला हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है, आपका 50 लाइन का इंस्ट्रक्शन है, 50 लाइन हम एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो सब ये तो बेहतर हो गया, तो बिल्कुल बेहतर हो गया। सो वी कैन से दैट कि कंपाइलर इज फास्टर देन इंटरप्रेटर। तो क्या कंपाइलर ने इंटरप्रेटर को रिप्लेस कर दिया? नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हो सकता है इसमें थोड़ा सा है कि इंटरप्रेटर पहले, कि इंटरप्रेटर सोचा गया तो उसके पहले कंपाइलर भी हो सकता है कि कंसेप्ट सोच लिया गया होगा, ये अलग बात है कि इंटरप्रेटर पहले आ गया। ठीक है, तो जब कंपाइलर पे लोग काम कर रहे थे, तो जो भी, जैसे आप प्रोग्रामर होंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि जो जब आप डेवलपर बनते हैं तो आप आज का दिन भी देखते हैं और आने वाले कुछ 4-5 साल फ्यूचरिस्टिक भी सोचते हैं। ठीक है, आप सिर्फ आज को सोच के चलिएगा तो आपका काम नहीं होने वाला है, फिर आपका सॉफ्टवेयर को कोई बीट कर देगा। आपको कुछ थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी होना पड़ेगा, एज पर एजम्पशन या एज पर सर्वे, एज पर सर्वे। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि वी आर टेकिंग सैलरी इन 5 डिजिट। ठीक है, पिछले तीन, मान लीजिए ऐसा कि 3-4 साल में हम लोग 5 डिजिट में सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, तो हम पिछला 5 साल का रेशियो निकालें कि सैलरी का जो ग्रोथ है वो कैसे मिल रहा है। तो भैया मान लेते हैं कि ग्रोथ हमको मिल रहा है 20%, 30% मान लीजिए। ठीक है, तो हम जब आज सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हम जिस कंपनी को देंगे, ठीक है, उसके सैलरी में भी तो हम अगले 5 साल तक के लिए सोचेंगे। तो मान लेते हैं जिसका अभी, सपोज कीजिए कि अभी 50,000 है, अभी 70,000 है, 5 साल के बाद 20% के ग्रोथ से अगर हम लेके बढ़े तो वो 5 डिजिट से कितने डिजिट में चला जाएगा, 6 डिजिट में चला जाएगा। तो हमारे सॉफ्टवेयर में ये भी होना चाहिए कि अभी 5 डिजिट पे काम कर रहा है, लेकिन आगे 2 साल के बाद अगर 6 डिजिट में भी किसी का सैलरी हो जाएगा तब भी ये फिजिबल होगा। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रही बात? ये होता है फ्यूचरिस्टिक सोच, इसको बोलते हैं। नहीं, जैसे हम हमेशा ये सोच के बनाए कि बीसीए में 60 सीट होते हैं, ठीक है, ये अभी का एजम्पशन है, यूनिवर्सिटी का अभी का है क्रिटेरिया। ठीक है, अभी के हालात के अनुसार ये क्रिटेरिया डिफाइन है, कल का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाए, ठीक है, सहूलियतें बढ़ जाए, तो हो सकता है ये कैपेसिटी भी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। नहीं, पहले तो 30 का था टारगेट, जब इतने सारे टेक्नोलॉजीज नहीं थे तो 30 और 25 ही कहा जाता था कि 1:10 to 25 or 30। अब क्या हो गए, सहूलियत बढ़ गई, प्रोजेक्टर का कंसेप्ट आ गया, कंप्यूटर का कंसेप्ट आ गया, तो 1 पे क्या रख दिया गया, 60। मान लीजिए ऐसे कि 60 तक होगा, कुछ और भी फीचर्स बढ़ेंगे तो समय के साथ और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए कि आज हम कोई सॉफ्टवेयर बना के देते 60 के लिए, ठीक है, अब फ्यूचर सोचे ही नहीं कि कभी ऐसा भी हो सकता है, तब तो जिस जिस केस में वो 90 के लिए करेगा, 120 के लिए करेगा, मेरा सॉफ्टवेयर फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, मिलेगा अप्रूवल 120 का और मेरा सॉफ्टवेयर कैपेबल होगा उस बीसी के 60 सीट का एडमिशन लेने का, तो नहीं ना होगा। तो हमें क्या करना है कि भले अभी 60 का दे रहे हैं, हम फ्यूचर सोच के चल रहे हैं कि ये मैक्सिमम लिमिटेशन 120 का भी हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर ऐसे सोच के चलेंगे तो उसका लाइफ साइकिल ज्यादा रहेगा। हम कह सकते हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं ये आसानी से आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, इसके बाद ही आपको किसी तरह की अपडेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 20 साल से तो रेलवे का चल रहा है, और टीसीएस ने जो रेलवे का सॉफ्टवेयर बनाया है
उस रेलवे के सॉफ्टवेयर में अभी तक कोई अपडेट की जरूरत नहीं पड़ी, वही चल रहा है, और वो खरबों डेटा का कलेक्शन होगा, होगा ना, करोड़ों का रिजर्वेशन पर डे हो रहा है। तो बताइए, इतने साल, 200 साल से काम हो रहा है, तो खरबों डेटा का ना कलेक्शन हुआ होगा, ठीक है, और आज तक पीएनआर जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है ना जी, पीएनआर 10-10, 15-15 डिजिट का रहता है ना, और उस सॉफ्टवेयर में अभी तक कोई चेंज नहीं किया गया, वही पुराना 20 साल पहले वाला सॉफ्टवेयर आज भी चल रहा है। आज भी आप रिजर्वेशन काउंटर पे, जंक्शन पे जाते होंगे, वही ब्लैक एंड व्हाइट आपको मिलता होगा, वही प्रिंटर होता होगा, ठीक है। ये अलग बात है कि उसको इंटरनेट से जोड़ के थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया है, ठीक है, उसका एक्चुअल सॉफ्टवेयर वही है 20 साल पुराना, ठीक है। आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, काम करते हैं, ठीक है, एक इंटरमीडिएट सर्वर दे दिया गया, डेटा वहां सेव होता है, वहां से फिर वो मेन सर्वर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, क्लियर। तो क्या है, अभी चल रहा है उसका, हालांकि वो अपडेट करा रहा होगा या कर रहा होगा, ठीक है, या उसको लगता होगा कि मेरा इसी से काम चल रहा है, ठीक है, अभी मेरा सॉफ्टवेयर इफिशियंट है तो क्या जरूरत है झूठ मूठ का पैसा बर्बाद करने का, अपना अपना नेचर हो सकता है, ठीक है। ये जो बताया है इसको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक सोच, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है वो आज के हिसाब से सिर्फ कर दीजिएगा, बस आज चलेगा, अच्छा सैलरी बढ़ेगा, 6 डिजिट में हो जाएगा, कोई कहेगा 5 से 6 ना काम करेगा, आइएगा लेके अपडेट करेंगे, ये क्या बात हुआ भाई, ठीक है। अभी किसी का मान लीजिए कि 95,000 होगा, अगले साल में हम उसको 10% ग्रोथ दे देंगे, ठीक है, तो 1 लाख समथिंग हो गया, 1 डिजिट बढ़ गया, अब तो उसका सैलरी मेंटेन आपका नहीं करेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, उस तो फ्यूचरिस्टिक आप सोच के बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट, अभी तो आप लोग सेकेंड ईयर में गए, थर्ड ईयर में जब प्रोजेक्ट जमा किया जाता है, तो जो आप प्रोजेक्ट बना के देते हैं, किताब उसका जो जमा करते हैं, यू बैच एक मिनट में जल्दी तुम खाली करो सर, पाउडर चलो जाइए जल्दी, इंस्पेक्शन आप 50।